सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो हम पढ़ रहे थे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, और इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन कैसे पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, जिससे हर एक कंट्री का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसका रीज़न क्या था। तो ग्लोबलाइजेशन के 3 रीज़न थे। फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने के वजह से अब हम किसी भी सामान को बहुत कम टाइम में और बहुत ही कम एक्सपेंसेस में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिससे ग्लोबलाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। सेकेंड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के वजह से हम बहुत ही इजीली पूरे वर्ल्ड में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसके हेल्प से हम बैंक से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, जिससे बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और थर्ड है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जो बिजनेस करने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे है उसे ख़त्म करना। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब इंडिया ने बहुत ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे फॉरेन बिजनेसेस पर, और इसके 2 रीज़न थे। फर्स्ट, कि इससे लोकल बिजनेसेस को प्रॉफिट हो सके और लोकल बिजनेसेस के लिए कोई भी कंपटीशन ना रहे, और सेकेंड बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स भी इंडिया में बिजनेस करने ही आए थे, पर वो क्या करके गए ये तो सबको पता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे फॉरेन बिजनेसेस पर 1991 में गवर्नमेंट ने ये ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, और इसे ही हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। और ये WTO मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि सभी अपना बिजनेस अच्छे से कर पाए, और इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारे रूल्स भी बनाता है, और वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ को फोर्स करता है कि वो कंट्रीज़ को वो रूल्स फॉलो करने होंगे। पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन USA जैसे डेवलप्ड और रिच कंट्रीज़ को अपने रूल्स फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं करता, क्योंकि USA बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, रिच और पावरफुल है। तो ये तो थी लिबरलाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो फर्स्ट, बहुत सारी MNCs ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, और इन MNCs ने अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज भी किया, क्योंकि इंडिया इन MNCs के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंड, इंडिया की टॉप कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया, क्योंकि MNCs के आने से कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और MNCs के साथ कोलैबोरेशन करके इंडिया की इन टॉप कंपनीज को नई टेक्नोलॉजीज भी मिली। थर्ड, इंडिया की भी कुछ कंपनीज MNCs बन गई, जैसे टाटा, इन्फोसिस एक्सेट्रा। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि टाटा ग्रुप्स 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रहा है। फोर्थ, MNCs के आने से और ज़्यादा जॉब्स और अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई। और लास्ट, MNCs के आने से लोगों को और ज़्यादा चॉइसेस मिली और प्रोडक्ट्स के प्राइस भी कम हो गए। तो ये थे कुछ इम्पैक्ट जो इंडिया पे हुए ग्लोबलाइजेशन के वजह से। पर ये सभी इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इसके आगे का पूरा चैप्टर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.